हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर में आज एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए वैसे तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 8.1 और विंडो 10 में नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल होता है और XP 2095 या 98 विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करके देती थी, लेकिन नए वालों में हर एक में एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल होता है। तो उसको हमें इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के डिस पीसी पे या माई कंप्यूटर पे जाकर राइट क्लिक करना है और उसके मैनेज में जाना है। मैनेज में जाते ही आपका बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें से आपको लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाना है और उसमें से यूजर्स में आपको आपका एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाएगा। वैसे तो ये हमारे कंप्यूटर के टेम्परेरी यूजर्स हैं जो नॉर्मली कंपनी की ओर से बन के आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ओर, जैसे गेस्ट, डिफॉल्ट अकाउंट्स एंड WDG यूटिलिटीज, और जो मैंने ऑलरेडी मेरे पीसी में बना के रखा है EECE यूजर। तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करूँगा। तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर अकाउंट इज डिजेबल उस पर आपको क्लिक करना है, मीन्स उसका टिक मार्क निकाल देना है। उसके बाद अप्लाई एंड ओके। कंफर्मेशन करने के लिए आपको अपने स्टार्ट बटन पे एंड उसके यूजर्स पे जाके अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड देना चाहते हैं तो वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर पे राइट क्लिक कीजिए, सेट एज पासवर्ड एंड प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड अप्लाई कर देना है। पासवर्ड देते ही ओके, तो आपका पासवर्ड इसमें सेट हो चुका है। दिस पासवर्ड हैज बीन सेट, ओके, आपका पासवर्ड लग चुका है। और अगर आप इसको कभी भी डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी और भी नई जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।